नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि लद्दाख में भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद है वो लगातार बना हुआ है और उस वहाँ पर तनाव की स्थिति अभी भी कायम है। लेकिन अगर आपको मैं थोड़ा इतिहास में ले जाऊं और आपको बताऊं कि ये पहली बार नहीं है, जब भी चीन का कोई शीर्ष अधिकारी या फिर भी शीर्ष पदों पर बैठा हुआ व्यक्ति या राष्ट्रपति वहाँ पर मुश्किलों में होता है तो वो ऐसे ही भारत को एज अ टूल इस्तेमाल करते हैं, भारत के खिलाफ अपना नेशनलिज्म का जो लेवल है सेना के थ्रू बढ़वाते हैं और अपने आप को एक बड़े लीडर के तौर पर स्थापित करते हैं और मुश्किलों से बाहर निकल आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि पाकिस्तान में भी कश्मीर के मुद्दे पर चुनाव जीते जाते हैं, जब भी चीन में कोई राष्ट्राध्यक्ष वहाँ पर मुश्किल में होता है, ऐसे नहीं कि शी जिनपिंग ही इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, शी जिनपिंग से पहले उनके एक और राष्ट्रपति थे हू जिताओ, वो भी ऐसे इस्तेमाल किया करते थे भारत की सीमाओं पर विवाद बढ़ाकर, अपनी सेना बढ़ाकर, देश में एकदम नेशनलिज्म का या फिर देशभक्ति का माहौल पैदा कर अपने आप को टॉप लीडर साबित कर देते थे। लेकिन शी जिनपिंग ने जब भारत के साथ यही ऐसा ही इस्तेमाल इस टूल को इस्तेमाल करते हुए डोकलाम पैदा किया था, लेकिन तब उन्हें बहुत भारी झटका लगा था। लेकिन भारत ने उसी समय से तैयारी शुरू कर दी थी अपनी। उदाहरण के तौर पर जैसे कि भारत को जब कोरोना वायरस का क्राइसिस ये शुरू ही हुआ था और अमेरिका ने जब आरोप लगाने शुरू कर दिए शी जिनपिंग पर, तो भारत को तभी भनक लग गई थी कि ये भारत के खिलाफ प्रेशर क्रिएट करेंगे शी जिनपिंग और अपने खिलाफ जितना भी इनके खिलाफ इनके देश में या फिर बाहर माहौल खड़ा हो रहा है उसे दबा देंगे। और आपको बता दूं कि भारत ने उसी दौरान भी जब ये कोरोना वायरस चल रहा था, आपको याद होगा कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुल का उद्घाटन किया था, हंगपा दादा पुल, जो हमने अरुणाचल प्रदेश में बनाया था क्योंकि भारत को डर था कि वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में ये टेंशन खड़ी करेंगे। लेकिन वहाँ पर भारत ने स्थिति मजबूत कर ली और आप देखिए कि अरुणाचल में इन्होंने स्थिति ऐसी क्रिएट नहीं की क्योंकि इन्हें पता है कि भारत ने वहाँ पर पुलों का और सड़कों का भारी निर्माण कर लिया है। तो वहाँ पर भारत एकदम से सेना डिप्लॉय करके तुरंत जो भी वहाँ पर मतलब कि चीन को उल्टी पड़ जाएगी वो चीज़ें। फिर उन्होंने किसे टारगेट किया, इन्होंने टारगेट किया सिक्किम को। लेकिन सिक्किम में भी भारत ने, आपको पता होगा कि डोकलाम के तुरंत बाद वहाँ पर एयरफील्ड बना ली थी, सुखोई लड़ाकू विमान तैनात कर लिए थे और वहाँ पर सैनिकों की डिप्लोमेट कर ली थी और सड़क का निर्माण ऐसा कर लिया था कि कुछ ही चंद ही मिनटों में वहाँ पर भारतीय सैनिक जो चीनी सीमा पर पहुँच सके। और उसी का आप उदाहरण देखिए कि भारत की तैयारियों का जायजा आप देखिए, बैकअप प्लान जो भारत ने तैयार करके रखे थे कि भारतीय सैनिक वहाँ पर तुरंत पहुँचे और उनके जो मिलिट्री के मेजर थे उन्हें भी पीट कर भगा दिया गया। और अब इन्होंने जब इन्हें कहीं जगह नहीं मिली भारत को टारगेट करने की चीनियों को, तो इन्होंने टारगेट किया है लद्दाख के सियाचिन को और वहां पर अपनी सेना की डिप्लोमेट बढ़ानी शुरू कर दी है। लेकिन आपको बता दो कि भारत ने खासकर की बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत की, उसने भारी भरकम सड़कों का निर्माण वहां पर डोकलाम के तुरंत बाद शुरू कर दिया था। उदाहरण के तौर पर अगर आपको इस चीज का मतलब कि बदलाव देखना है, कितना बदलाव आया चार सालों में लद्दाख की सीमा पर, कि पहले वहां पर पहुंचने में लोगों को कितनी परेशानी होती थी, आपने देखा होगा बहुत से यूट्यूबर या बड़े बड़े जो व्लॉगर होते थे वे पहुंचते थे सड़क कारों से, अपनी बुलेट बाइकों से, लेकिन वहां पर बड़ी मुश्किल होती थी, कई जगह तो सड़कें ही नहीं थी। लेकिन अगर आप ही अभी भी जो वीडियो उनकी आप देखोगे जो लद्दाख जाते हैं अभी 6 महीने 1 साल पहले की, तो आपको पता चलेगा कितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। यानी कि अब तो बर्फबारी में भी वहां पर पहुंचा जा सकता है काफी हद तक। तो यानी कि भारत ने जो स्थिति पहले अब से डोकलाम से ठीक पहले मतलब कि आप देखते थे कि चीन ने सड़कें बना रखी हैं, तुरंत वहां पर आर्टिलरी और अपनी गन्स पहुंचा लेते हैं, अब स्थिति उलट हो गई है। अब भारत ने वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा मजबूत कर लिया है, खास करके सड़कें बहुत मजबूत कर ली है और प्लान यह है कि आगे वहां पर रेलवे तक को भी पहुंचाने की तैयारी है। तो भारत की भी यहां पर तैयारी थी, जो भारत ने बैकअप प्लान बनाकर रखे थे डोकलाम में, भारत ने तय कर लिया था कि भारत अब डोकलाम वाली स्थिति में दोबारा नहीं फंसेगा। और जो चीन के जो बड़े बड़े राष्ट्रपति होते हैं या फिर जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, ये भारत को जो इस्तेमाल करते हैं अपने दुश्मन के तौर पर, अपनी जनता को दिखाकर और अपने आप को एक पैट्रियोटिक लीडर, अपने आप को बड़ा लीडर साबित कर लेते हैं, अब भारत उस स्थिति में नहीं पहुंचने वाला। क्योंकि आप देखिए कि भारत ने साफ क्लियर कर दिया है कि जो लद्दाख वाला क्षेत्र है ये यहां से भारत नहीं निकलने वाला और भारत पीछे एक कदम भी नहीं हटेगा। और भारत ने वहां पर हैवी डिप्लोमेट कर दिया, जितना चीन करता है भारत उससे दुगना कर देता है। चीन ने हेलीकॉप्टर तैनात किए, हमने सुखोई लड़ाकू विमान तैनात किए, जी हाँ, यानी कि भारत पीछे हटने को तैयार नहीं है। और भारत ने चीन ने वहां पर 5,000 सैनिक तैयार किए, तो भारत ने उससे ज्यादा सैनिक तैनात करके चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो फिलहाल तो इस एनालिसिस में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या मैंने कुछ पॉइंट मिस कर दिए, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो, न्यूज और एनालिसिस के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।